भाई आई कैन नॉट गेट ओवर दिस दिस लुक्स सो कूल भाई। अब होगा ना मजा फुल स्पाइडरमैन शिट। अब हम लोग इस मास्क को टेस्ट करेंगे आज का वर्कआउट सेशन करके, तो लेट्स गो। तो अभी हम लोग अपना वर्कआउट सेशन खत्म करेंगे। आज वर्कआउट किए नहीं थे सुबह से। आई वॉज वेटिंग फॉर द मास्क कि इस मास्क में ही आज वर्कआउट सेशन किया जाएगा, तो शुरू करते हैं। बॉडी का कंडीशन अच्छा नहीं होने के कारण आज प्लैंक्स नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्ट में काफ़ी दर्द है। यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। तो हम लोग शुरू करेंगे हैंड्स एंड पुशअप से। तो हैंड्स एंड पुशअप्स का हम लोग लगाएंगे मैक्स रेप्स 3 सेट्स। तो चलते हैं। तो हैंडस्टैंड पुशअप्स का 3 सेट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स करने का रीज़न है क्योंकि वो आपके हैंडस्टैंड पुशअप्स को काफ़ी अच्छे से कंडीशन करता है। एंड मेरे वर्कआउट रूटीन के हिसाब से हम हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट एक्सरसाइज करते हैं। मतलब जो भी आपके पूरे रूटीन में सबसे हार्डेस्ट एक्सरसाइज है उसको हम पहले कर लेते हैं, ताकि उसमें हम अपना बेस्ट दे सकें, एंड देन ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पाइक पुशअप्स करेंगे। आप नोटिस किए होंगे कि काफी बार मेरा हेड डैश किया होगा जमीन में। दैट्स बिकॉज हम फुल रेंज ऑफ मोशन पे बिलीव करते हैं। अगर आपके वर्कआउट में रेंज ऑफ मोशन कट रहा है तो आप उस वर्कआउट का पूरा मज़ा नहीं उठा पाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ हम 12 रेप्स कर चुके हैं, पर 12 रेप्स में जितना आपके बॉडी का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर्म और फुल रेंज ऑफ मोशन, ये दोनों कभी सैक्रिफाइस नहीं करना है, चाहे आपको जिम में या पार्क में कोई कितना भी एडवाइस दे। स्ट्रिक्टली फुल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखें, रेप्स कम हो जाएगा उससे बट डेवलपमेंट अलग लेवल पे बढ़ेगा। पाइक पुशअप्स का 3 सेट खत्म हो चुका है। तीसरा एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे वो होगा एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक करने का फायदा है कि उससे आपका मस्क्यूलर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे से बढ़ता है। आप एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, एंड वो होल्ड करना बाहर से लगता होगा आसान बात, बट करने में हालत ख़राब हो जाता है। तो हम लोग करेंगे हैंडस्टैंड 90 डिग्री होल्ड। हैंडस्टैंड में जाके 90 डिग्री पोजीशन पे आके हम लोग उसे जितना देर हो सकता होल्ड करेंगे, और इसका करेंगे हम लोग 3 सेट। तो 90 डिग्री होल्ड्स ख़त्म। अभी बॉडी का कंडीशन तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी हम लास्ट एक्सरसाइज करके इस रूटीन को अभी रैप अप करेंगे, रूटीन एंड करेंगे पुशअप से। मास्क का रिव्यू दे तो लुक वाइज तो ये बहुत सही है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है, किसी टाइप का इरिटेशन नहीं हो रहा है, सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बस विजन में थोड़ा दिक्कत है, बट वो तो खैर जस्टिफाइड है क्योंकि ये वाइट ग्रिल्स लगा हुआ, अगर आप अच्छे से देखें तो वाइट ग्रिल्स, तो इसके कारण थोड़ा सा धुंधला दिखता है। बट ओवरऑल आई वुड रिकमेंड, अगर आपको मास्क का शौक है गो फॉर इट। तो आज का रूटीन ख़त्म हो चुका है। आप बताइए स्पाइडरमैन मास्क आपको कैसा लग रहा है। आज स्पेशली ये वीडियो इस मास्क के लिए बनाया है, आगे से और भी वीडियो इस मास्क के साथ ज़रूर आएगा।
बने रहे स्पाइडरमैन के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।